गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए विधायक विपिन सिंह सहित नगर निगम की महिला पार्षदों ने निगम के सदन हॉल में पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि प्रदेश में विधान परिषद की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं तथा पहले ही 9 सीटें निर्विरोध जीत चुके हैं, बाकी सभी सीटें काम के आधार पर जीतने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतों के विकास जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सहित नगर निगम को भी बहुत पैसा दिया है जिससे सभी गांव व वार्डों का विकास हो सके, इसलिए सभी प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य मन बना चुके हैं कि भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे और कर भी रहे हैं, क्योंकि अगर विधान परिषद में भाजपा के ज्यादा सदस्य रहेंगे तो कोई भी नियम कानून आसानी से पास हो जाएगा, जिसके लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और नगर निगम की महिला पार्षदों ने कहा, सर कितने वार्ड, 28 नंबर वार्ड सिंहपुर शहबाजगंज, बीजेपी को वोट दिए हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, सब विकास हो रहा है, अब हमको क्या चाहिए, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा। कहना चाहेंगे, कह तो रहे मेरे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करवाते हैं, विकास हो रहा है, हम लोग सुरक्षित भी हैं। आरती सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 56, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और हम लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी वोट डाले हैं, ये एक हम लोग के लिए गोल्डन चांस था कि उनके टाइम में हम लोग भी उनके साथ ही वोट डाले हैं। कंचन लता सिंह, वार्ड संख्या 60, रुस्तमपुर। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही हर्ष हुआ वोट डाल के, और जो कि यहाँ के विधायक भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं उनके साथ वोट डालने का मौका मिला। हमने विकास के मुद्दों के लेके और नारी सशक्तिकरण और भी सारी सुरक्षा जो हमने भाजपा सरकार में पाई है उसके लिए हम विकास के लिए बहुत ही आश्वस्त हैं भाजपा सरकार से। धन्यवाद। निश्चित हम सबकी सब सीट जीतने जा रहे हैं, विधान परिषद की 9 सीटें हम पहले निर्विरोध जीत चुके हैं और बाकी सभी जो है सीटें पूज महाराज जी इतना काम किया, हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों को बहुत पैसा दिया, चाहे ग्राम पंचायत को ले, चाहे क्षेत्र पंचायत, चाहे जिला पंचायत को, चाहे नगर निगम को, पूज महाराज जी ने जितना पैसा दिया है, चाहे प्रधानों का मानदेय बढ़ाना, चाहे उनके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी करना, तो इसका नतीजा ये मिलेगा कि सारे लोग मन बना चुके हैं कि फिर से जो विधानसभा परिषद में भी पूज महाराज जी की बहुमत हो, ताकि हमारे जितने भी नियम कानून बनते हैं, जो भी प्रस्ताव होते हैं, वो विधान परिषद में आसानी से पास हो सके। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं के लिए? तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप लोगों ने पूज महाराज जी का सम्मान रखा है और हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी के विचारों से आप लोटपोट होकर के और अब अधिक से अधिक मतदान कर रहे हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी प्रदेश में जीत करके पुनः दोबारा आएंगे।